हेलो दोस्तों, पी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों जो कि एक मील का पत्थर साबित हो सकता है हमारे इन्वेस्टिंग करियर में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। किसी का सपना होता है एक बड़ा घर लेना, किसी का सपना होता है एक बड़ी गाड़ी लेना, किसी का सपना होता है कि एक वर्ल्ड टूर पे जाएं, किसी का सपना होता है कि हम एक आलीशान बंगला लें कहीं पर, या फिर घर में सिस्टर की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे सपने हैं जो हर किसी किसी मिडिल क्लास आदमी के होते हैं, लेकिन इसको दोस्तों पूरा करने का तरीका हर किसी को मालूम नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल तरीका कि आप अपने सपनों को कैसे अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपल तरीका। इक्विटीज़ की बात नहीं कर रहा मैं आज, बात करूँगा म्यूचुअल फंड्स की। तो इसमें कैसे हम एक सिंपल सा 2,000 रुपये हर महीना बचा कर दोस्तों कैसे हम 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम बना सकते हैं, यही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, और अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। अब आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा तो इक्विटीज़ में बनता है, लेकिन दोस्तों लंबे समय में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एक, अगर मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इक्विटीज़ में पैसा नहीं बनता, इक्विटीज़ में डेफिनेटली ज़्यादा पैसा बनता है और जल्दी बनता है, लेकिन दोस्तों इक्विटीज़ में लंबे समय तक रहने के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है, पेशेंस, जो आपका बिहेवियर होता है, मेंटल एबिलिटी एबिलिटी होती है, थॉट प्रोसेस होता है दोस्तों, इन सब का टेस्ट होता है। और इस टेस्ट को पास करना दोस्तों ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, हर कोई इसको नहीं कर पाता। आप देखेंगे जितने भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनमें आपको बहुत कम नाम दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई जो है वेल्थ क्रिएट करता हुआ नज़र आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग समय में इक्विटीज़ को होल्ड करना सबके बस की बात नहीं होती, और जिसको जो वो करता है तो आप समझ लीजिए वो अपने दिमाग पे कितना काम करता है। जी हाँ दोस्तों, और अब मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड्स की। देखिए म्यूचुअल फंड्स में आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, मंथली 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट आपका होएगा, कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली होगा, और यहाँ पर आपके जो है मंथली पैसा जाता रहेगा। ना आपको वहाँ पर अपने अकाउंट में चेक करना है कुछ ना कुछ, अगर आप करते हैं तो वो डिपेंड करता है दोस्तों पर्सन टू पर्सन। कई लोग ऐसे होते हैं इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, वो ना डायरेक्ट इक्विटीज़ में कंटिन्यूस रेगुलर मॉनिटर कर पाते हैं ना ही म्यूचुअल फंड में, लेकिन म्यूचुअल फंड से उनके मंथली बेसिस पर डायरेक्ट डेबिट होता रहता है और उनके जो है मंथली बेसिस पे अमाउंट कटता रहता है, और वो सालों तक कटता है, उनको पता भी नहीं चलता जब वो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं दोस्तों वहाँ पर ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट हो चुकी होती है। अगर वहीं मैं बात करूँ इक्विटीज़ में, तो इक्विटीज़ में दोस्तों आप पोर्टफोलियो हमेशा अपना चेक करते रहते हैं। अगर किसी कंपनी में कुछ भी दिक्कत आई तो आप, हम जैसे आप नहीं, मैं हम मेरी बात करता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बिहेवियर जो है चेंज होता है, माइंडसेट जो होता है, ऐसा लगता है कि नहीं अब सेल कर देते हैं इसको, अब कुछ नहीं है, और जैसे ही मार्केट टॉप पे होता है तो हम सोचते हैं नहीं अभी बाई नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली हम इक्विटीज़ में जो है जो वो बाइंग होती है हमारी नहीं होती, SIP होती है, नहीं कर पाते। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, हालांकि थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर पाया है, अब मैं ऐसा करने लगा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि इक्विटीज़ हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसको इसके लिए आपको अपनी मेंटल एबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो है, उसमें दोस्तों कंसिस्टेंटली बेसिस पे मेरा जो है अमाउंट डिडक्ट होता है हर मंथ, और मैं दोस्तों वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती, मैं उसको देखता भी नहीं हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको कभी स्टॉप मत कीजिए। अब बात करते हैं, देखिए कैसे हम उसको अपने इनकम को, वेल्थ को बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, कैसे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे अपने जो है गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करूँगा मिड कैप फंड की। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप 15, 20, 30 सालों के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप मिड कैप जो है ज़रूर रखिए, क्योंकि मिड कैप दोस्तों, मिड कैप में ग्रोइंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लार्ज कैप जो होते हैं वो रिस्की कम होते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोइंग एबिलिटी होती है, जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें पोटेंशियल लगता नहीं है। हालांकि देखिए कई मिड कैप, कई लार्ज कैप अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप एक पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो आपका एक कांस्टेंट रिटर्न देता है। लेकिन मिड कैप की बात करें तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा DSP, एक्सिस, और ये सारे जो मिड कैप के हैं ये अच्छे मिड कैप्स हैं। अगर इनमें आप अगर एनुअलाइज बेसिस पर 10 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो 14%, 15%, 12%, ये देखिए 14%, 14, 15, 15, करीब करीब जो है आप एवरेज मान के चलिए 14% यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाएंगे। 14% तो दोस्तों मिल ही जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 से ऊपर भी जाते हैं तो ये बिलीव में दोस्तों यहाँ से ये आपके जो है 1-1% हर
5 साल में या 2% हर 5 साल में यहाँ से बढ़ते जाएंगे, 16-18, जितना ज़्यादा आप लंबा होल्ड करेंगे आपको उतने ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलते जाएंगे। तो ये इसलिए मैं यहाँ पर 14% कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप जो 14% तो दे ही देते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी बिना देखे भी कोई भी फंड उठा लेंगे तो आपको करीब करीब 14% भी दोस्तों दे ही देगा रिटर्न। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के फंड को चूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर वो ज़्यादा भी दे सकता है, 16-17-18। अगर आपको देखना है दोस्तों बेस्ट लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड कौन से हैं, तो आप आई बटन में जाके देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको जो है पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, हिस्ट्री के एनुअलाइज रिटर्न आपको मिल जाएंगे, किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो आपको वहाँ पर जो है सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम 14% इधर कंसिडर करेंगे रिटर्न, तो हम चलते हैं दोस्तों अब सीधा कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने जैसे आपने थंबनेल में देखा 2,000 रुपये पर मंथ ओनली आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए 2,000 रुपये दोस्तों ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2,000 आपको कंसिस्टेंटली बिना रुके और बिना थमे आपको बस इन्वेस्ट करना है। और मैं चल मानूंगा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की एजुकेशन है, या फिर आपके ड्रीम हाउस का गोल है, कुछ बड़ी कार एंड देन सम प्रॉपर्टी आपको लेनी है, तो 30 साल का आपका यहाँ पर टारगेट होगा। और आप 25 साल से भी करना चालू करते हैं दोस्तों, 50 साल तक आप अपनी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, 25 से अगर 30 भी लें तो 55 साल। और ये दोस्तों बिलीव मी, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर 25 में भी, 25 साल में, 50 मतलब 25 साल भी करेंगे तब भी आपके जो है फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कितने डिलीजेंट हैं। देखिए रिटर्न मैंने आपको बताया 14% के, इन्फ्लेशन में यहाँ पर नहीं ले रहा, अभी मैं आपको इन्फ्लेशन का भी बताऊंगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए इधर नीचे आपको दिखेंगे दोस्तों रिटर्न 1.1 करोड़ के, और आपने इन्वेस्ट कितना किया है, ओनली 7.2 लाख, ओनली 7.2 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, और 1.1 करोड़ आपकी जो है यहाँ पर वेल्थ जनरेट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से। अगर मान लीजिए आप 20 साल के भी हैं, 30 साल लगाते हैं, तो 50 साल में दोस्तों आप जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आजकल दोस्तों पॉकेट मनी मिल जाती है बच्चों को, जो भी यहाँ पर इस एज ग्रुप के हैं, 20 साल से 21, 22, 23, 24, 25 तक के हैं, वो 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंटली आप भूल जाइए, बस इन्वेस्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, उसमें आपको बीच में स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर बन जाएंगे सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही। तो आप देखिए वेल्थ गेन आपकी कितनी हुई है, ज़बरदस्त यहाँ पर वेल्थ गेन हुई है दोस्तों आपकी, 1 करोड़ से ज़्यादा, 7.2 लगाए आपने, 1.1 करोड़ आपको मिल गए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन में लूंगा यहाँ पर, तो आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस पड़ता है। इन्फ्लेशन भी कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हम आज उस टाइम का जो प्राइस होगा वो 1 करोड़ की वैल्यू कितनी की होगी, 30 लाख की होगी, तो ये 30 लाख यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 30 साल तक सिर्फ 2,000 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे, आपकी दोस्तों सैलरी बढ़ेगी, आपके सैलरी इंक्रीमेंट होंगे, आपके बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी होगी, आपके यू नो अप्रेजल्स, आपके एनुअल बोनस, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका जो है इंक्रीमेंट हर साल लगता रहेगा, तो आप इसको भी हर साल बढ़ाते रहेंगे। अगर आप इसको 5% से भी बढ़ाएंगे दोस्तों, 10% से भी बढ़ाएंगे करीब करीब हर साल अपने SIP को, तो बिलीव मी दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है ये आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। और अगर आप 10% से 5-10% से हर साल अपनी SIP बढ़ाएंगे तो वही आपको 1.1 करोड़ का जो अमाउंट है वो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं लिया है, क्योंकि आप हर साल, मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ आप अपनी SIP को बढ़ाएंगे, और दोस्तों वही अच्छा तरीका है। अगर आप हर साल अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाते रहेंगे तो आपके जो है रिटर्न ज़बरदस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल नॉमिनल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न लिया है 14%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए 3,000, अगर देखिए मान लें आपकी कैपेसिटी 3,000 है, तो आप देखिए रिटर्न कितना बनता है, तो आप देखिए 1.7 करोड़, यहाँ पर सीधा सीधा आपके 1.1 करोड़ से 7 करोड़, मतलब 60 लाख रुपये, 70 लाख रुपये आपके ज़्यादा बन चुके हैं। अगर जिसकी कैपेसिटी 5,000 की है तो देखिए उसका कितना रिटर्न बनता है, सिर्फ 14% कंसिडर कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए अब ज़बरदस्त 2.8 करोड़। मैं 5,000 कंसिडर करता हूँ तो 30 साल में 2.8 करोड़ बनता है, और 5 साल आप उसको और होल्ड कर लेते हैं। देखिए 30 साल में आपके 2.8 करोड़ बने, 35 साल, 5 साल और होल्ड करते हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, 5 साल और होल्ड कर लिया आपने, तो आपकी जो रकम बनेगी दोस्तों डबल हो जाएगी सीधा 5 साल में, 5.6 करोड़। तो ये ज़बरदस्त अमाउंट है दोस्तों, ये 5.6 करोड़ मतलब आप समझ लिए कि क्या ज़बरदस्त अमाउंट है, ये इसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये है दोस्तों तरीका, देखिए म्यूचुअल फंड तरीका है, सेफ तरीका है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इक्विटीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं। हालांकि देखिए मैं इक्विटीज़ में, मेरा पोर्टफोलियो इक्विटीज़ का भी है, म्यूचुअल फंड का भी है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड इसलिए बता रहा हूँ कि जो इस पर इक्विटीज़ में टाइम नहीं दे सकते, इतना अपने
माइंड को जो है फोकस नहीं कर सकते, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो की, मंथली क्वार्टर जो क्वार्टरली या एनुअल रिटर्न जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उनको नहीं ट्रैक कर सकते दोस्तों, उनके लिए जो है म्यूचुअल फंड बेस्ट है। वहाँ पर बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो आपका पैसे को मैनेज करते हैं, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न मिलते रहते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके रिटर्न बनेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और सिंपल एंड सोबर वीडियो है दोस्तों, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है टेक्निकल, सिंपल आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको जो है इन्वेस्ट करना है मंथली, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका जो है ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।